हेलो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अवर वर्कशीट नंबर 27 एंड डेट इज 4 सितंबर 2020 एंड टॉपिक इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सेक्शन फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं और उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व कर चुके हैं। नाउ द टर्न इज सेक्शन फॉर्मूला। तो यहाँ अब हमें एक सिचुएशन दी हुई है। हे फ्रेंड्स, आई वांट टू मेक अ हैंगिंग गार्डन इन माय बालकनी। आई एम फिक्सिंग द पोल्स ए एंड बी एज शोन। आई वांट टू फिक्स अनदर पोल सो दैट द डिस्टेंस ऑफ पोल पी फ्रॉम पोल बी बिकम ट्वाइस एज द डिस्टेंस फ्रॉम पोल ए। यानी ये बालकनी है जिसमें एक पोल ए यहाँ पर लगाया गया, एक पोल बी यहाँ लगाया गया। अब वो एक पोल पी जो है यानी बीच में एक और फिक्स करना चाहता है, जिससे कि जो इनके बीच का डिस्टेंस है ना, यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, तो ये सेकंड डिस्टेंस जो ये वाला डिस्टेंस है ये फर्स्ट डिस्टेंस का 2 times हो। यानी अगर ये 1 है तो ये इसका 2 times यानी 2 parts होना चाहिए। तो अब हमें इसे सॉल्व करना है किससे, सेक्शन फार्मूला से। तो सबसे पहले तो हम सेक्शन फार्मूला डिराइव करेंगे कि कैसे हम सेक्शन फार्मूला बना सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम इसके कोऑर्डिनेट ले लेते हैं x1, y1 और पोल बी के कोऑर्डिनेट हैं x2, y2। और जो पोल हम बीच में लगाना चाहते हैं, जो इसे 1:2 के रेशो में डिवाइड करेगा, हम उसके कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं x, y। आप अगर हम इसे ध्यान से देखें तो एक ट्राइंगल ये छोटा सा हमें यहाँ मिला और एक ट्राइंगल मिल गया ये, और दोनों ही ये 90° के ट्राइंगल्स हैं यानी राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, और सिमिलर हो गए तो अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो सेम होगा। तो अब हमने ट्राइंगल ए पी ई एंड ट्राइंगल पी बी एफ यानी वो छोटा सा ट्राइंगल और बड़ा वाला ट्राइंगल, उसकी साइड्स का रेशो हम कंपेयर करेंगे। तो ये हम ले लेते हैं M1 साइड और ये है M2। तो M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू, बेस देखें तो बेस कैसे मिलेगा हमें, x-x1 और x2-x। सिमिलरली y-y1, y2-y। अब हम सिर्फ फर्स्ट पार्ट को इसे कंपेयर करते हैं। तो इसे कंपेयर करके यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हमें क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। सिमिलरली जब हम इसे कंपेयर करते हैं हमारे y वाले पार्ट से, यानी इसे कंपेयर करते हैं, तो हमें मिलता है y इज इक्वल टू m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। और यही xy जो हैं, दीज आर द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट, जो पोल जो डिस्टेंस है उसे 1:2 के रेशो में डिवाइड करेंगे, वेयर m1 और m2 जो है ना, m1 और m2 मींस रेशो, किस रेशो में हम अपने लाइन को या लाइन सेगमेंट को डिवाइड करना चाहते हैं। तो दिस इज़ द सेक्शन फॉर्मूला। और इसे लर्न करने का भी मेथड बहुत इजी है। m1 तो x2 आएगा, m2 तो x1 आएगा, और डिविज़न में m1 प्लस m2, तो हमें मिल जाएगा पॉइंट x। और सेम फॉर y, m1 y2 ले लिया, m2 y1 और डिवीज़न में m1 प्लस m2। तो ये हो गया हमारा सेक्शन फॉर्मूला। अब इसे अप्लाई कैसे करना है अब हम वो देखते हैं। नेक्स्ट जो हमें दिया है एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन फॉर्मूला, फाइंड द पॉइंट P विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट AP जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं इन द रेशो 2:7। तो सबसे पहला काम, ये जो ए और बी है यानी ये x1 y1, ये x2 y2 और रेशो यानी m1:m2, ये हमें दिया हुआ है। हमें फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है और निकालना है x, y। तो ये रहा हमारे फॉर्मूले, वैल्यूज पुट कर दी, वैल्यू पुट करके जो आंसर आ रहा है हमारे पास आया x के लिए -4 और y के लिए 6। सो द रिक्वायर्ड पॉइंट इज -4, 6। कोऑर्डिनेट्स ऐसे लिखते ना, पहले x देन y। और फिर इसमें एक आती है हमारी स्पेशल कंडीशन यानी मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब है कि हमारा कोई लाइन सेगमेंट है जो दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने से बन रहा है, यानी ये x1 y1 और ये x2 y2।
ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं और इसमें मिड पॉइंट है एक सी जो इसे 1:1 के रेशो में, यानी जितना पार्ट लेफ्ट हैंड साइड पे उतना ही पार्ट राइट हैंड साइड पर, दोनों साइड्स इक्वल पार्ट है, 1:1 का रेशो है। तो अब अगर हम इस फॉर्मूले में इस एक्स वाई की वैल्यू निकालने के लिए पुट करें तो एक्स हो गया हमारा एम वन यानी एम इंटू एक्स वन प्लस एम टू इंटू एक्स टू डिवाइड बाय क्या आ जाएगा यहाँ पे m1 वन प्लस एम टू यानी 1+1 यानी x1 वन प्लस एक्स टू अपॉन टू, तो ये x की वैल्यू आ गई। सिमिलरली y क्या हो जाएगा y1 वन प्लस वाई टू अपॉन टू, यानी फॉर्मूला रिड्यूस होके क्या रह गया फॉर द मिड पॉइंट p ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू x2 प्लस x1 अपॉन टू y2 प्लस y1 अपॉन टू, और हम इसे वाइस वर्सा भी कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है हमारा एडिशन कॉम्यूटेटिव होता है, 2+3 करें या 3+2 करें। आप इसी से रिलेटेड, मिड पॉइंट से ही रिलेटेड हमें यहाँ पर एक टेबल दी हुई है जिसे हमें कंप्लीट करना है, तो आप इस टेबल को भी देखते हैं। एंड पॉइंट्स दिए हुए हैं, कोऑर्डिनेट्स दिया है और मिड पॉइंट निकालना है। जैसे यहाँ पर ये हमारा x1 y1, ये x2 y2, तो ये वैल्यूज लिख दी हमने यहाँ पर इनकी। फिर मिड पॉइंट निकालना है तो x के लिए क्या होगा -3+-5/2, x1 प्लस x2 अपॉन टू यानी -8/2 दैट इज -4। सिमिलरली 6+4/2 10/2 दैट इज 5 एंड द रिक्वायर्ड मिड पॉइंट इज -4.5। नाउ सेकेंड पार्ट, x1 इज 4, x2 -4 ये लिख दिया हमने, y1 is 5, y2 is 7 ये रख दिया। अब हमें x निकालना है तो x means 4+-4/2 that is 0/2, तो first point is 0। अब y के लिए 5+7/2 that is 12/2, 6 तो 0.6 हो गया। now third में x1 is 7, x2 -3, y1 is 6, y2 is 4, तो 7+-3/2 that is 7-3/2 4/2, तो हमें वैल्यू मिल गई 2। यहाँ 6+4/2 that is 10/2 यानी 5, तो 2.5। सिमिलरली x1 2, x2 4, y1 -5, y2 9, तो 2+4/2 यानी 6/2 दैट इज 3, 2+4 is 6, और यहाँ पे -5+9/2 दैट इज 4/2 दैट इज 2 यानी 3.2, ये हमें वैल्यूज मिल गई। अब है हमारा नेक्स्ट क्या है, हमें ट्राई योर सेल्फ यानी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1.7 एंड 4.-3 इन द रेशियो ऑफ 2:3। यानी हमें दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये मान लीजिए ए ये बी, और रेशियो दिया हुआ है हमें 2:3 का। तो सॉल्व करते हैं इसे, तो सबसे पहले जो जो हमें दिया हुआ है हम उसे ले लेते हैं, तो हमारा आंसर 1। हमें पॉइंट्स क्या क्या दिए हैं, -1.7 एंड 4.-3 एंड द रेशियो इज 2:3। तो ये हमारा एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, दिस वन इज एम वन एंड एम टू एंड वी हैव टू फाइंड एक्स कॉमा वाई, यानी ये हमें निकालना है। तो फॉर्मूला इज एक्स, मेथड बताया था एम वन तो एक्स टू, एम टू तो एक्स वन अपॉन एम वन प्लस एम टू। अब वैल्यूज पुट करें, एम वन क्या है हमारे पास 2, 2×4+3×-1 डिवाइड बाय 2+3 यानी 8-3/5 दैट इज 5/5 इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू मिल गई 1। सिमिलरली फॉर y, एम वन वाई टू एम टू y1 अपॉन m1 प्लस m2, वैल्यूज पुट कर दी जाए 2×-3+3×7 डिवाइड बाय 2+3 इट मीन्स -6+21/5
that is 15 upon 5 and it is equal to 3. So the point x comma y means pehle x 1 comma 3. This is the answer. तो बस वैल्यूज पुट की और सिंपली हमें सॉल्व करके आंसर मिल गया. अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा. नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रेशो. इस बार रेशो निकालना है. इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट -1, 6. तो अब हमें पहले से ही वो पॉइंट दिया हुआ है जिसके कोऑर्डिनेट हम निकालते हैं, यानी एक्स वाई हमें दिया हुआ है. m1 = m2 हमें निकालना है. तो अब इसे भी सॉल्व करते हैं. तो इस बार हमें जो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, क्या क्या दिया हमें, आंसर 2, -3, 10 एंड 6, -8, जिसमें ये हमारा x1, ये y1, ये x2 और ये y2, और जो पॉइंट इन्हें डिवाइड कर रहा है दैट इज -1, 6. जो डिवाइड कर रहा है वो होता है हमारा x एंड y, यानी x कॉमा वाई. और रेशो हमें निकालना है, यानी m1 = m2 हमें निकालना है. अगेन फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा फॉर्मूला x1 m1 x2 m2 x1 divide by m1 plus m2. तो x हमारा कितना है, x is -1. तो अब वैल्यूज पुट करें, m1 तो है नहीं, m1 as it is रहेगा into 6 plus m2 as it is रहेगा. x1 is -3 upon m1 plus m2. अब क्या करना है हमें, ये यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसे लीनियर इक्वेशन बनाएंगे. तो हमारे पास आ गया -m1 plus m2, ब्रैकेट में रखा है, देखो माइनस को ब्रैकेट के जैकेट में रखते हैं ना. तो ये हो गया 6m1 - 3m2, यानी -m1 - m2, 6m1 - 3m2. अब m1 को एक जगह ले आए, m1 और ये 6m1 माइनस का बन के आ गया, और m2 को हम वहाँ ले जाते हैं, वो प्लस का बन के चला गया. ये बन गया -7m1 और ये -2m2. माइनस माइनस कैंसिल, तो m1 upon m2, ये m2 नीचे आ गया, 2 upon 7 इधर चला गया. इट मीन्स m1 = 2 = 7. अगर अब हम से y से ट्राई करेंगे तब भी हमारा आंसर यही आएगा. तो जब हमें रेशो निकालना होता है तो ज़रूरी नहीं हम x और y दोनों लें, हम या तो x से ट्राई कर लें या y से, हमें आंसर सेम मिलेगा. तो इस टाइप के क्वेश्चंस NCERT एक्सरसाइजेस से ट्राई कीजिए. मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एन्जॉय मैथ.